नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया जुगाड़ लेकर आया। कैसा जुगाड़? जो अक्सर सबको परेशान करता है, मदरबोर्ड में, किसी भी मदरबोर्ड में, इससे मतलब नहीं, ये एक सरल मदरबोर्ड है इसीलिए मैं ये दिखाता हूं बार बार। किसी भी मदरबोर्ड में अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको कैसे रिपेयर करें, क्या इसमें जुगाड़ संभव हो सकता है? मैं आज आपको वो जुगाड़ बताऊंगा कि पावर सप्लाई को रिपेयर करना चुटकियों का काम हो जाएगा। वो टेस्टिंग बताऊंगा आपको पावर सप्लाई रिपेयर करने की, जिससे आप बड़ी आसानी से पावर सप्लाई को रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पावर सप्लाई आखिर कैसे काम करती है। पावर सप्लाई में कौन कौन से सेक्शन होते हैं? दो सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको केवल चालू करने का जुगाड़ बताऊंगा, उसको टेस्ट करने का जुगाड़ बताऊंगा। कैसे चेक करें? प्राइमरी सेक्शन में क्या चेक करना है, सेकेंडरी सेक्शन में क्या चेक करना है? देखिए देखिए दोस्तों, ये एक 24 इंच का मदरबोर्ड है और हम इसमें चेक करेंगे। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये एसी वोल्टेज वाला जैक है। यहां एसी वोल्टेज गया, फ्यूज, एनटीसी, इस बूस्ट कैपेसिटर, इस कॉइल, इन सब से होते हुए होते 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 और ब्रिज रेक्टिफायर से होते होते, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, यहां से होकर मेन कैपेसिटर तक पहुंचता है। तो यहां से शुरू से एसी वोल्टेज एंटर होते हैं, एसी 220 एंटर हुए और एसी वोल्टेज एंटर होते ही इन सब से फिल्टर होते हुए ये पहुंचते हैं मेन कैपेसिटर पर। तो सबसे पहले हमें यहां देखना है 220 वोल्ट एसी आए या नहीं, और अगर यहां 220 वोल्ट एसी आते हैं, फिर सेकंड नंबर पर देखना है हमें यहाँ लगभग 300 वोल्ट डीसी के आसपास, 270-280 वोल्ट डीसी आने चाहिए। अगर यहाँ 270-280 डीसी नहीं आते तो फॉल्ट इनमें है, और अगर 270-280 डीसी वोल्टेज आ जाते हैं यहाँ, तो फिर हमें तीसरे नंबर पर चेक करना है इस पॉइंट पर। ये 12 वोल्ट आउटपुट वाला पॉइंट है, यहाँ से 270-280 वोल्ट घूम कर जाते हैं ये मॉस्फेट और इनमें से घूमते हुए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको कि हमें लास्ट में चेक करना है यहाँ 12 वोल्ट इस पॉइंट पर। यहाँ 12 वोल्ट अगर प्रेजेंट है तो हमारी पावर सप्लाई एकदम ओके है, और अगर यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट है। यहाँ इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे ढूंढें? आज मैं आपको वो जुगाड़ बताऊंगा जिससे आपको पावर सप्लाई को रिपेयर करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हमें क्या जुगाड़ करना है? मान लीजिए कि यहाँ 300 वोल्ट के आसपास प्रेजेंट है और यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो क्या जुगाड़ किया जाए? आज आपको जुगाड़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये टेस्टिंग बताता हूँ कि सेकेंडरी सेक्शन में खराबी है या नहीं। हम एक सेकंड में कैसे देखकर जान पाए कि सेकेंडरी सेक्शन खराब है? देखिए, अगर सेकेंडरी सेक्शन सही होगा, हमने इसमें सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद सप्लाई को हटा देंगे, हटाने के बाद अगर ये कैपेसिटर चार्ज होकर रहता है, इसमें वोल्टेज रुक जाते हैं। देखिए, इस कैपेसिटर में वोल्टेज अगर चार्ज होकर रह जाते हैं, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्शन काम नहीं कर रहा, और अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है अपने आप तो सेकेंडरी सेक्शन सही है। तो मैं एक बार देखता हूँ, ये सेट ऑपरेट नहीं हो रहा तो इसमें क्या खराबी हो सकती है, आपको एक हॉट टेस्टिंग करके भी दिखाता हूँ, उसको देखकर भी आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, ये मैंने लगाया सप्लाई का प्लग, ये लगा दिया, और लगाकर
हम चेक करेंगे कि मेन कैपेसिटर पर 300 वोल्ट आए या नहीं। देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी पर कर दिया। अब मैं ऐसे रख देता हूं ताकि आपको मल्टीमीटर दिखाई दे। ये मैंने किया, ये कर दिया, मल्टीमीटर को मैंने कर दिया इस पर। अब मेन कैपेसिटर पर मैं टच करता हूं, देखिए 300 वोल्ट इस पर आए। ओके, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, अब समझ में आएगा। ये मैंने लगाया कि 300 वोल्ट आए, ठीक है। अब हम इसको निकाल देते हैं। मैंने इसका बिजली वाला प्लग निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब देखिए, सबसे मेन टेस्टिंग बताऊंगा। मेन कैपेसिटर पर आप नजर रखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए, मेन कैपेसिटर की ये दोनों पिन है, प्लस और माइनस। अगर ये सेट ऑपरेट हो गया होगा, इसका सेकेंडरी सेक्शन सही होगा, तो मैं एक चिमटी के द्वारा इनको मिलाऊंगा। मिलाने पर अगर ये डिस्चार्ज मिलेगा तो समझिए सेकेंडरी सेक्शन ओके था, और अगर चार्ज है तो सेकेंडरी सेक्शन खराब है। ये सबसे मेन टेस्टिंग है, ये आपको कभी किसी बुक में नहीं मिली होगी, ना ही किसी ने बताई होगी। तो देखिए, अब मैं इसमें एक चिमटी को टच करता हूं। ये देखिए, ये चटका, आपको स्पार्किंग दिखाई दी, एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए, मैंने इसको एसी का प्लग इसमें लगाया, ये लग गया, और लगाने के बाद इसको निकाल देता हूं। ये मैंने एसी का प्लग निकाल दिया। अब निकालने के बाद फिर से देखिएगा, अगर ये डिस्चार्ज हुआ तो पावर सप्लाई ओके है, और नहीं हुआ तो पावर सप्लाई फॉल्टी है। देखिए, ये स्पार्क हुआ, स्पार्क हुआ, इसका मतलब ये सप्लाई काम में नहीं आ रही, इसी में चार्ज होकर रहती है। अगर ऐसा फॉल्ट आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना, उसके लिए करना है जुगाड़। हम चाहें तो इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, ये पूरा नॉर्मल तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत परेशानियां आती हैं। सारे एक एक पार्ट चेक करने होंगे, मॉस्फेट चेक करना होगा, एसएम ट्रांसफार्मर, ऑप्टो कपलर, छोटे छोटे पार्ट्स, सारी चीजें चेक करनी होंगी। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम एक सरल चीज पर आते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, 5-24 सप्लाई, 5-24, ये वाली सप्लाई आप ले लीजिए मार्केट से। अब इसको लगाने का मैं आपको सरल जुगाड़ बताता हूं। ये सप्लाई हमने ले ली, अब देखिए इसको लगाने का सरल जुगाड़। इसमें चार वायर हैं, एक रेड वायर, ब्लैक वायर, येलो वायर और ब्लू वायर। इन चारों तारों का हमें कैसे उपयोग करना है, इसमें जोड़ेंगे और यहां से मैं आपको 12 वोल्ट जनरेट करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए, ये इसमें चार वायर हैं। अब मैं आपको इसको लगाने का जुगाड़ बताता हूं। इसमें भले ही कुछ भी खराब हो, कोई भी पार्ट खराब हो, एसएम ट्रांसफार्मर सही होना चाहिए, और एसएम ट्रांसफार्मर कभी खराब नहीं होता। ये बहुत कम, हजारों में एक आध बार खराब होगा, नहीं तो ये खराब नहीं होता। कोई भी पार्ट खराब हो, होने दीजिए। अब हमें ये लगाना है, तो इसको लगाने का तरीका, बहुत से तरीके हैं, कोई किसी तरीके से लगाता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन मैं जिस तरीके से लगाता हूं वो तरीका देखिए, एक बार में काम करेगा। हमें क्या करना है, ये ब्लू और येलो वायर इन दोनों को निकाल लेना है। इसमें से हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये मैंने लिया ब्लू वायर को, ये कहाँ है, ये इसको निकाला, ये बाहर आ गया ब्लू वायर, और येलो वायर को भी निकालता हूं। ये मैं दूसरा वायर भी निकालता हूं, और इन दोनों वायर को निकालने के बाद फिर क्या करना है वो भी आपको बताता हूं। ये हम इसको भी निकाल लेते हैं,
ये दोनों वायर अलग हो गए, ब्लू और येलो, ये दोनों वायर हमने निकाल लिए। अब हमें दूसरा काम करना है, इसमें जो ऑप्टो कपलर लगा है, ये ऑप्टो कपलर, चार पिन का ऑप्टो कपलर होता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप, ये देखिए, ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर में एक ये बिंदु है एक साइड में, ये बिंदु यानी इसकी पिन नंबर 1 और 2, इन दोनों को हमें ओपन कर लेना है। इस बोर्ड में से इसको ओपन कर देते हैं, कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आप। ये देखिए, मैंने ये ऑप्टो कपलर जो नीचे मदरबोर्ड में लगा हुआ था इसको ओपन कर दिया, इसकी दोनों पिनें ऊपर कर दी मदरबोर्ड से ऊपर, ये इनको सीधा कर दिया मैंने, ये हो गया सीधा। अब हमें क्या करना है, ये निकल गई पिनें, पीछे वाली पिनें इसमें जुड़ी हैं, आगे वाली पिनों को निकाल दिया। अब ऐसे ही 1 और 2 नंबर पिन हमें इस मदरबोर्ड में जो ऑप्टो कपलर लगा है उसकी निकालनी है, तो निकालते हैं इसकी 1 और 2 नंबर पिन। यह है ऑप्टो कपलर, इसकी 1 और 2 नंबर पिन को ओपन करते हैं। यह है 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों को ओपन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, इन दोनों पिनों को हमें ओपन कर देना है, ये ओपन हो गया, ये दोनों पिने बाहर आ गए, इसको हमने सीधा कर दिया ऊपर। अब मदरबोर्ड में ये 2 पॉइंट निकले, 1 और 2, इसकी पिन नंबर 1 है, ये बिंदु बना है यानी इसको ऊपर किया, ये 1 नंबर पिन और ये 2 नंबर पिन, ठीक है। अब जो हमने येलो और ब्लू 2 वायर निकाले हैं, उन दोनों वायर्स को हमें इन पर जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं दिखाता हूँ। अब देखिए, जो येलो और ब्लू वायर हमने इसमें 5/24 सप्लाई में से मॉड्यूल में से निकाले थे, इनको हम जोड़ेंगे ऑप्टो कपलर की जो पिनें हमने निकाली थी उन पिनों के ऊपर, मदरबोर्ड में नहीं जोड़ना है अभी, पिनों पर जोड़ना है। ये देखिए, ये मैंने एक वायर जोड़ दिया, जुड़ गया, नहीं जुड़ा, जोड़ता हूँ, एक वायर जुड़ गया, अब दूसरे वायर को जोड़ता हूँ दूसरी पिन पर, ये दूसरा वायर जुड़ गया। इन दोनों वायरों को हमने ऑप्टो कपलर की पिनों पर जोड़ दिया। अब मैं देखिए, पीला वाला वायर 1 नंबर पर और नीला वाला 2 नंबर पर, ठीक। अब जो 1 नंबर पर पीला जुड़ा है, इसको इस मदरबोर्ड में जहां हमने ऑप्टो कपलर को निकाला है, इस ऑप्टो कपलर की जगह जो मदरबोर्ड में पॉइंट है उन पॉइंट्स पर जोड़ना है। तो देखते हैं हम इसमें 1 नंबर कौन सा था और 2 नंबर कौन सा है, गलत ना लग जाए। देखिए, 1 नंबर इस साइड वाला, इसको ऊपर किया और यहाँ 1 नंबर जोड़ना है और यहाँ 2 नंबर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया इस पर। अब 1 नंबर यानी येलो वायर को हम इस पर जोड़ते हैं, ये मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया, जुड़ गया, और ब्लू वायर को दूसरे पॉइंट पर जोड़ते हैं, अभी नहीं जुड़ा है। मुझे पास का काम करने के लिए चश्मा उतारना पड़ता है, उल्टा है मेरे साथ, ये लग गया। अब हमारा एक स्टेप पूरा हुआ कि हमने येलो और ब्लू वायर को निकाला और येलो ब्लू वायर को इस मॉड्यूल के 1 नंबर और, अब हमारा एक स्टेप पूरा हुआ, हमने येलो और ब्लू वायर को यहाँ से निकाला और एक सिरा
इसके ऑप्टोकपलर पर जोड़ दिए, एक एक सिरा एक नंबर और दो नंबर पर, और वही सिरे इस मदरबोर्ड में से यहाँ से हमने, जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से हमने ऑप्टोकपलर को निकाला, इसकी एक और दो नंबर पिन पर मदरबोर्ड में जोड़ दिए, यानी इसका ऑप्टोकपलर इसमें कनेक्ट हो गया। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करना है, इसके ब्लैक और रेड वायर को जोड़ना है। तो ब्लैक वायर मैंने जोड़ दिया कैपेसिटर के माइनस पर, ये जुड़ गया। अब लास्ट बचता है प्लस वाला रेड वायर, इसको कहाँ जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह ढूंढना है कि इसमें मॉस्फेट कौन सा है। मान लीजिए एक ये लगा है, एक ये लगा है, अब हमारा डाउट गया शायद ये हो सकता है या ये हो सकता है, कैसे देखें, तो उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। मल्टीमीटर को बजर मोड में किया और बजर मोड में करने के बाद कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर एक पिन रखी कोई भी, और ये दो दो मॉस्फेट हैं, इनमें हमें कंफर्म करना है कि कौन सा वाला मॉस्फेट इस काम का है। तो प्लस पॉइंट पर रखा, इस पर रखा, देखिए ये इसके नज़दीक लगा है लेकिन ये इसका नहीं है। अब इस पर देखते हैं, ये बोलेगा क्या, प्लस पॉइंट से नहीं बोला, तो फिर यही होगा, ये भी नहीं बोला। ओहो, देखिए प्लस से ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, दोनों में से एक बोलना चाहिए। अब क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें, देखिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊं कि कैपेसिटर के प्लस पॉइंट से सप्लाई जाएगी इस SM ट्रांसफार्मर में, SM ट्रांसफार्मर से कॉइल के द्वारा इस पर या इस पर आएगी। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये वाला मॉस्फेट है या ये मॉस्फेट है, उसको हमें ओपन करना होगा। तो देखिए अब इससे हम चेक करते हैं, सबसे पहले इधर से चलते हैं, ये प्लस पॉइंट कैपेसिटर का, यहाँ कोई कॉइल लगी हो वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिट कॉइल। तो बिट कॉइल किस साइड लगी होती है, देखिए अब मुझे नज़दीक से देखना पड़ेगा क्योंकि गंभीर समस्या हो गई। ये देखिए ये मेन कैपेसिटर पर ये कॉइल लगी हुई है और कॉइल का दूसरा सिरा है ये। ओ माय गॉड, ये कॉइल ही ओपन है, इधर बोल रही है इधर नहीं बोल रही, ये कॉइल ओपन है, इसके कारण हमें समस्या आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो इसको वैसे भी ओपन करना था। अब इस कॉइल का दूसरा सिरा देखते हैं हम, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा कौन सी, इससे चलता है, देखिए इससे चला, यानी ये मॉस्फेट हमारे काम का है, इस मॉस्फेट पर हमें काम करना है। तो मेन कैपेसिटर से ये बजर बोलता है, मैं आपको एक दूसरी सप्लाई में और दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो पहले से ही फॉल्ट था। मैं इसको एक साइड में करता हूँ, देखिए ये मैंने दूसरा मदरबोर्ड ले लिया, अलग कंपनी का, अलग साइज का, अलग मदरबोर्ड। इसमें देखिए ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट और ये कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट पर हमने रखा, तो इसमें देखिए ये मॉस्फेट लगा है, तो क्या ये मॉस्फेट इससे बजर दे रहा है, नहीं। अब देखते हैं दूसरा मॉस्फेट लगा है ये, क्या ये दे रहा है बजर, नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा देगा। एक और लगा है यहाँ, देखिए क्या ये चल रहा है, ये चला, यानी इस मॉस्फेट को हमें निकालना होगा तभी ये काम होगा। अब या तो हम इस मॉस्फेट को निकाल कर रख दें या इन दोनों के बीच में जो कॉइल लगी हो उस कॉइल को निकाल दें, तो इसका कनेक्शन कट हो जाएगा। दोनों में से हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक बजर बोल रहा है, यानी ये रास्ता यहां से
ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर से घूमकर दूसरी पिन से निकलकर इस पे आ जाता है। तो हमने ब्लैक वायर तो माइनस से जोड़ा और प्लस वायर को, रेड वायर को हमें यहां जोड़ना होता है, यहां। तो उसके लिए इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं इसी मदरबोर्ड पर आता हूं जिसमें हमें काम करना था। इसका हमने मॉस्फेट ढूंढ लिया, ये मॉस्फेट, इन दोनों का कनेक्शन हमें अलग अलग करना होगा। तो इसमें तो पहले से ही अलग है क्योंकि ये कॉइल खराब है, तो हम इस कॉइल को अलग हटा देते हैं। ये मैंने कॉइल हटाई, हट गई, ये कॉइल अलग हो गई। अब हमें इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे हम चाहें तो इसको निकाल दें और इसका ये बीच वाला पॉइंट है इस पर हम रेड वायर को लगा दें, तो इस पर हम अब भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमने मॉस्फेट से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को हमें जोड़ना है इस कॉइल पर जो हमने कॉइल ओपन की है, और कौन से सिरे पर जोड़ना है वो इस कैपेसिटर से जो चल रहा है उस पर नहीं, उसके अलावा दूसरा पॉइंट है उस पर। देखिए ये कैपेसिटर से कौन सी पिन चल रही है कॉइल की, नीचे वाली, तो हमें ऊपर वाले पर जोड़ना है इस पर। इसको हमने अलग कर दिया और इस पर हम जोड़ते हैं। देखिए इस पर जोड़ते ही कैसे काम होगा, और आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा लग रहा होगा, तो मैं इसको भी सरल बना देता हूं। मैं इस मॉस्फेट को ही निकाल देता हूं, फिर आपको ज्यादा सरल तरीके से समझ में आएगा। इस मॉस्फेट को निकालता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए अब मैं इस मॉस्फेट को निकालता हूं, मॉस्फेट को निकाल दिया और वहां जो बिटकॉइन लगी हुई थी, जो निकाली थी हमने, वो दूसरी चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी बनाने में। मैं एक बिट कॉइल दूसरी लगा देता हूँ, जो कॉइल इसकी ओपन थी मैं किसी दूसरे बोर्ड से निकाल कर वो कॉइल लगा देता हूँ। देखिए ये मैंने कॉइल पहले जैसे लगी थी वैसे लगा दी। अब आपके सामने अगर कोई सेट आता है तो आपको कुछ नहीं करना, कॉइल तक मत जाइए, आप तो केवल इस मॉस्फेट को निकाल दीजिए। मॉस्फेट मैंने निकाल दिया। अब मॉस्फेट के तीन पॉइंट, 1, 2, 3 बीच वाले पॉइंट पर हमें इसको जोड़ देना है। कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा मैं, किताबी भाषा नहीं बताऊंगा कि मॉस्फेट का गेट सोर्स काय पे जोड़ना है, ड्रेन, आप तो बस इसको रट लीजिए। क्योंकि कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो मॉस्फेट की थ्योरी नहीं जानते। मैंने तो आपको सिंपल तरीके से बताया कि देखिए चार वायर में से रेड, ब्लू और येलो को निकाला। निकालने के बाद इस ऑप्टो कपलर को एक और दो नंबर पिन को उठा दिया और एक और दो नंबर से ब्लू और येलो वायर जोड़ दिया। दूसरा सिरा इधर ले आए और जो मदरबोर्ड में ऑप्टो कपलर था उसको उठा दिया एक और दो नंबर को, और वो एक और दो नंबर के वायर मदरबोर्ड में जोड़ दिए एक और दो नंबर पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ब्लैक और रेड वायर, ब्लैक वायर को कैपेसिटर के माइनस से जोड़ दिया, रेड वायर को मॉस्फेट ढूंढा। मॉस्फेट कैसे ढूंढा, किसके प्लस पॉइंट से देखा, किस मॉस्फेट पर बजर बोलता है, इस मॉस्फेट पर बजर बोला, इस मॉस्फेट को निकाला और इसके बीच वाले पॉइंट पर जोड़ दिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप इसमें सप्लाई लगाएंगे, एक बार में काम हुआ। मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। देखिए अब मैंने इसमें सप्लाई लगा दी, ये सप्लाई लग चुकी है। लगने के बाद अब ये सेट ऑपरेट हुआ या नहीं कैसे पता लगेगा, मैं आपको यहां 12 वोल्ट जनरेट करके दिखाता हूं। ये मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर कर दिया, 20 वोल्ट डीसी पर मल्टीमीटर कर दिया। अब देखते हैं, ये मैंने एक पिन को लगाया ग्राउंड से और दूसरी पिन को लगाया, देखिए 12 वोल्ट जनरेट हो चुके हैं। इसको कहते हैं जुगाड़।
भले ही कोई भी पार्ट खराब हो, किसी भी पार्ट में खराबी हो, आपको ये मॉड्यूल लगा देना है। बस अब मैंने इसकी सप्लाई को निकाल दिया, अब आपको मेन कैपेसिटर के दोनों पॉइंट टच करके दिखाऊंगा। अब ये डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि सेट ऑपरेट हो चुका है, इसके वोल्टेज काम में आ चुके हैं। अब मैं लगाऊंगा, कोई चार्जिंग नहीं है इसमें, एकदम ओके सेट। अगर इसमें डिस्चार्ज होता, वोल्टेज होते, तो समझिए यहाँ फॉल्ट है। कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसको रिपेयर करने का तरीका, हमने ये मॉड्यूल लगा दिया। मॉड्यूल के केवल चार वायर लगाने हैं, एक बार में काम होगा। किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो, आपका जुगाड़ सक्सेस होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये जुगाड़? हमने मदरबोर्ड को, पावर सप्लाई वाले सेक्शन को एक जुगाड़ करके रिपेयर कर दिया। केवल एक मॉड्यूल मात्र 100 रुपए का खर्चा आया इसमें। 100 रुपए में हमने पावर सप्लाई को रिपेयर कर लिया। कोई भी पावर सप्लाई, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो, किसी की भी सप्लाई हो, इसी तरीके से रिपेयर करना है हमें। तो इस तरह काम करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि सभी लोगों को काम आता रहे। तो इसी तरह का जुगाड़ लेकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।